दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एयर रिलीज वाल्व के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन कैसा करता है, ये कैसे इसमें प्रेशर बनता है, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा एयर रिलीज वाल्व होता है, इसके साथ में एक होता है हमारा PRB, दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगह लगाए जाते हैं, दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएँ होती हैं और दोनों के अपने अपने फंक्शन होते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हमारा जो एयर रिलीज वाल्व क्या काम करता है और कैसे करता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमने एयर रिलीज वाल्व रखा हुआ है। होता क्या है दोस्तों, ये हमारी पानी का प्रेशर यहाँ पीछे से आता है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट से आता है, और ये वाटर हमारा क्या करता है, यहाँ से प्रेशर बनाता है। प्रेशर बनाते क्या होता है दोस्तों, इस पर दबाव लगता है और फोर्स की वजह से ये हमारा स्प्रिंग जो है अप हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इस प्रकार का गैप होता है उसको उठाने के लिए, और इसको लगते ही यहाँ से उठ जाता है। इसको उठने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारा जो गैप आता है और वाटर यहाँ से हम लोग रिलीज कर देते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इसकी डिटेल में बात करें तो आपको मालूम है कि किसी भी लाइन के अंदर वाटर का प्रेशर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वाटर का प्रेशर बनने से क्या होता है दोस्तों, अब नॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाती है और उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं हमारे लाइन के फटने के लिए। तो ज़्यादातर हमेशा मेन लाइन में इसलिए हम लोग एयर रिलीज वाल्व लगाते हैं। होता है क्या दोस्तों, ये हमारा वाटर प्रेशर पीछे से आ रहा होता है तो स्प्रिंग और पानी के बीच में हमारा एक एयर वाशर भी लगा होता है, वो एयर वाशर से पानी हमारा आगे बढ़ता है, और जैसे ही हमारा प्रेशर हाई बढ़ता है आगे हो जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, जब एक्स्ट्रा हमारा एयर जो होता है उसी का जो मेन प्रेशर होता है, क्योंकि इसमें एयर का ही प्रेशर होता है जिसको हमें यहाँ रिलीज करना होता है, तो हम यहाँ से फिर स्प्रिंग अप ऑटोमेटिक अप हो जाता है और वो हमारा एयर यहाँ से रिलीज हो जाती है। दोस्तों ARB भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की होती हैं, बट इसका हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे मेटल का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जंग इतिहास से बची रहे। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आगे की इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, और अपना कमेंट आप देकर जरूर बताएं और ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।